हेलो दोस्तों, पेडगिरी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सलीम दीवान, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपको आपकी अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने हैंड फीडिंग के बारे में पूरा जानेंगे। वैसे तो मेरे पास कई चीक्स है हैंड फीडिंग के लिए, कई कोकाटेल है, कई कन्नूर है, लव बर्ड्स भी किए और वो सेल भी कर दिए। लेकिन आज मैं आपको प्रॉपरली शुरू से सिखाऊंगा कि हैंड फीडिंग किस तरह से करते हैं, क्या उसका प्रोसेसर रहता है, किस तरह से ब्रूडर में रखना होता है। तो देख सकते हैं कि ये ब्रूडर है अपने पास। इसमें मैंने एक छोटा सा बच्चा रखा है, तकरीबन 8 दिन का वो बच्चा है, बहुत ही छोटा है, क्योंकि उसके माँ बाप उसको फीड नहीं करा रहे थे, इसलिए मैंने उसको ब्रूडर में रखा है। तो ये मेरे पास ब्रूडर है, ये हमें दिया है अनीस भाई ने, अल नूर पेट शॉप वालों ने। तो बहुत बहुत शुक्रिया अनीस भाई का कि उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया है। तो इसमें मैंने देख सकते हैं कि ये टेम्परेचर इसमें मेंटेन रहता है, 30 का टेम्परेचर इसमें सेट किया हुआ है। 30 का टेम्परेचर से कम होता है तो उसमें बल्ब अपने आप स्टार्ट हो जाता है। और ये मैं आपको खोल के दिखाऊं कि यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए पंखा भी दिया हुआ है, तो वो पंखा भी चालू ही रहता है पंखा। और ये बच्चा देख सकते हैं आप, ये कॉकाटेल का बच्चा है, तकरीबन ये 5, 6 या 7 दिन का बच्चा है, लेकिन माँ बाप फीडिंग नहीं करा रहे थे इसलिए इसको हमने हैंड फीडिंग पे उठा दिया है। तो मैं इसको खिला के भी दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको खिलाना होता है, तो कौन सा फॉर्मूला मैं इसको यूज़ करूँगा वो भी मैं दिखाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आप मेरे सारे फॉर्मूले देख सकते हो। यहाँ ऊपर में देख सकते हो कि कॉकाटेल के लिए मैं A19 यूज़ करता हूँ और कन्नूर और लव बर्ड को A21 देता हूँ। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना कि इस पर थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट करें कि ये फॉर्मूला भी कॉकाटेल को चलता है। तो इस बच्चे को मैं ये रॉयल विंग्स का फॉर्मूला दूंगा और इससे इसको बड़ा करके दिखाऊंगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो इससे ये बड़ा हो भी जाएगा, और कई दिक्कत आई तो फिर मैं उसका फॉर्मूला चेंज कर दूंगा। तो शुरू से अगर देखें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों, हमें भी इसमें सीखने को मिला है काफ़ी कि फॉर्मूला अगर आप बार बार चेंज करोगे तो बच्चे इससे मर जाएंगे। तो जो फॉर्मूला आप शुरू से जो भी दे रहे हो, चाहे पेस्ट लाइफ दे रहे हो ओ या फिर आप रॉयल का दे रहे हो या फिर कोई भी आप दे रहे हो, A19 दे रहे हो या A21 दे रहे हो, तो आप वही फॉर्मूले चालू रखिए। फॉर्मूला अगर बार बार बदलेंगे तो इससे बच्चे मर जाएंगे। और यहाँ पे गर्म पानी के लिए आप केटली भी लाए हैं, तो इसमें गर्म पानी करके भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों, देख सकते हो कि मैंने यहाँ केटली को रख दिया और यहाँ पर मैं स्विच को ऑन करता हूँ और पानी इसमें भरा हुआ, और ये दबाऊँगा तो यहाँ लाइट ऑन हो जाएगा। अब इसमें पानी गर्म होने लगेगा। लोग क्या करते हैं कि पानी को गर्म करके बाउल में निकालते हैं, उसमें फॉर्मूला बनाते हैं, फिर उसको ठंडा करते हुए देते हैं, लेकिन अपना तरीका बिल्कुल अलग है। ये तरीका वैसे तो फजल भाई ने मुझे सिखाया था, लेकिन मैं अपने दर्शकों को ये भी बताता हूँ। तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि गर्म पानी को एक बड़े से बाउल में लेता हूँ, इसमें मैं जो गर्म करके सादा पानी कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, उसमें फॉर्मूला बनाता हूँ। क्योंकि क्या है कि एकदम गर्म पानी में फॉर्मूला बना के तो उसके जो न्यूट्रिशन है वो मर जाएंगे और भाप बन के उड़ जाएंगे, तो उसको ठंडे पानी में बनाना चाहिए। फिर इसके गर्म में ये बाउल को इस तरह से रख के उसको गर्म, मैं पूरा बताता हूँ आपको कि किस तरह से करना है। और ये सिरिंज है, दो टाइप के है, इससे मैं कन्नूर को खिलाता हूँ और इससे मैं कॉकाटेल खिलाता हूँ। दोस्तों, सीरिंज आप अलग अलग रखिए, अलग अलग म्यूटेशन के अलग अलग रखिए। तो कोई बीमार हो तो उसका सीरिंज अलग रखिए। वैसे तो अभी मेरे पास कोई बीमार नहीं है, अगर बीमार हो तो उसका सीरिंज बिल्कुल आप अलग रखिए, क्योंकि क्रॉप की कोई भी बीमारी होगी तो वो दूसरे परिंदों को लग सकती है। तो ये पानी गर्म होता है तब तक के लिए हम फॉर्मूला वगैरह निकाल के मैं आपको पूरा प्रॉपरली बताता हूँ। दोस्तों, सब कुछ रेडी हो चुका है, ये पानी भी गर्म हो चुका है, ये बाउल भी बिल्कुल रेडी है, ये हिलाने के लिए भी बिल्कुल फॉर्मूले को रेडी है, इससे मैं हिलाता हूँ। लोग बात क्या करते हैं कि चम्मच से हिलाते हैं, तो क्या है कि चम्मच से हिलाने से गांठे पड़ जाते हैं, तो इससे हिलाए अब फॉर्मूले को, इससे अच्छा मिक्स होगा। ये बच्चा भी बिल्कुल भूखा है। दोस्तों, आप जब भी बच्चों को खिलाएं तब उनका क्रॉप चेक कर लीजिए, ये बिल्कुल खाली होना चाहिए। देखिए, इस बच्चे का क्रॉप बिल्कुल ही खाली है। दोस्तों, देख सकते हैं कि बच्चे का क्रॉप बिल्कुल ही खाली है, देख सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम का बच्चा ले, तो जब उनके माँ बाप ने अगर फीड किया तो वो फीड बिल्कुल हजम ना हो जाए, तब तक आप बच्चे को कुछ भी मत खिलाइएगा, बिल्कुल उसका क्रॉप देख लीजिएगा खाली हो, तभी फॉर्मूला यूज़ किए कीजिए। और जब पहली बार आप बच्चे को उठा रहे तो आप कोई भी हजम करने की दवाई दे सकते हैं।
तो मैंने यहाँ पे बाबुलिन ली है, ये बच्चों के खाना डाइजेस्ट करने में मदद करती है। आप कोई भी ले सकते हैं, न्यूफिप्टाइन ले सकते हैं या बोनीसन ले सकते हैं, ये बाबुलिन भी आप काम चला सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल सस्ती पड़ती है, 50 रुपये की आती है, और न्यूफिप्टाइन ये तकरीबन 150 रुपये के आसपास की आती है। ये पानी है जो गर्म करके मैंने ठंडा कर लिया है, और ये रॉयल विंग का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला मैंने अभी तोड़ा है क्योंकि इससे पहले मैं जितने बच्चे भी पाले उनको सबसे A19 से ही बड़ा किया है, तो फर्स्ट टाइम ये मैं इसको यूज़ करने जा रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं, और इसकी ख़ास बात ये लगी मुझे कि ये बिल्कुल ही एकदम बारीक सा है, बिल्कुल आटे जैसा है, तो मिक्स तुरंत हो जाएगा। तो चलिए मिक्स करके मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये फॉर्मूला मैंने बना लिया है, और इसको बिल्कुल पतला ही रखिए क्योंकि बच्चा काफ़ी छोटा है, तो पतला ही रखिए। दिन में 4-5 बार इसको खिलाइए बेशक, लेकिन पतला खिलाइए क्योंकि पतला होगा तो कोई दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने झाड़ा ठीक दे दिया तो बहुत प्रॉब्लम कर सकता है इसको हजम करने में। तो पतला दीजिए, देखिए ठंडे पानी में बना, मैं इसको गर्म पानी में डालूँगा, और ये कैमरा पकड़ने वाला कोई है नहीं, तो देखिए इस तरह से मैं गर्म पानी में डालता हूँ और ये हिलाऊंगा तो इसका टेम्परेचर थोड़ा, ऐसा नहीं है कि बच्चों को गरम गरम खिलाना है, एक थोड़ा सा उनको तकरीबन 30 से 32 का टेम्परेचर वाला देना है खाना, गुनगुना देना है, बिल्कुल गरम गरम नहीं देना। तो इस ऐसे करने से गुनगुना हो जाएगा। अब मैं इसमें थोड़ी सी ये बाबुलिन डाल देता हूँ, तो दोस्तों देखिए मैंने ये सीरिंज में भर लिया है, और जब भी आप खिला दो सीरिंज को आप गर्म पानी में अच्छे से धो लिया करें। और ये सीरिंज में मैंने भर लिया है, लेकिन अभी कोई मोबाइल पकड़ने वाला नहीं है, तो मैं आपको कुछ सेटिंग करके दिखाऊंगा ज़रूर। तो दोस्तों देख सकते हैं कि बच्चा बिल्कुल छोटा सा है, अभी फर्स्ट टाइम है तो शायद लेगा नहीं, लेकिन मैं इसको आप कोई भी बच्चे को खिलाए तो यहाँ पे प्रेस करे तो उसको लगेगा कि खाना आ गया है। फिर ये सीरिंज को मैं उसको धीरे से उसके मुंह में दूंगा तो ये ले लेगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है ना, तो ये जल्दी से लेगा नहीं सीरिंज को, फिर उसको पता चल जाएगा तो ये सीरिंज फिर लेने लगेगा। तो ये मैंने सीरिंज को इसके मुँह में डाल दिया है, और ये धीरे धीरे मैं प्रेस करूँगा तो ये खाना लेने लगेगा। देखिए इसका पूरा क्रॉप भर चुका है और खाना इसने बिल्कुल ले लिया है। तो इस तरह से आप बच्चों को खिला ले। आप देख सकते हैं कि इसने पूरा खाना ले लिया है, और इसका दोस्तों मैंने इसको खाना खिला दिया है। अब इसको मैं ब्रूडर में रख दूंगा और अब रात को खिलाऊंगा। अब मैं इसको चेक करता रहूंगा, ये खाना अगर ये हजम कर लेगा तभी मैं खिलाऊंगा उसको। अगर चार आपका बच्चा 3-4 कल्ले में खाना हजम कर ले तो समझ लो कि वो बिल्कुल हेल्दी है। अगर वो देर करता है खाना हजम करने में तो फिर कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है उसके अंदर। तो ये मैंने इसको दे दिया है खाना, अब देखते हैं कब तक हजम करता है। ये फर्स्ट टाइम है इसलिए थोड़ा देर लगेगी इसको, फिर ये रहते रहते इसको आदत सी लगने लगेगी। और ये फॉर्मूला भी नया है तो देखते हैं इससे ये इसका क्या रिजल्ट आता है। अगर ये हजम डाइजेस्ट नहीं करता तो फिर मैं उसको पेस्ट लाई भी खिलाऊंगा, क्योंकि फिर वही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ज़्यादा फैट का है। लेकिन मैं देखना चाहता था कि कॉकटेल इसको हजम करते, अगर पतला दिया है तो हजम तो कर लेगा इंशाल्लाह, फिर भी देखते रहेंगे, ठीक है ना। अभी ये ब्रूडर में मैंने रख दिया है, अभी ब्रूडर का टेम्परेचर देखिए 29.6 है। जैसे ही 29.5 होता है तो ब्रूडर का बल्ब अपने आप ऑन हो जाता है, ये मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, देख सकते हैं अभी 29.6 हुआ है और ये बल्ब ऑन हो गया। ये मैंने ब्रूडर बिल्कुल पैक कर दिया है, क्योंकि ये छोटे बच्चों को ब्रूडर में ही रखना सही होता है, क्योंकि अभी ठंडी पड़ रही है तो ये ब्रूडर में बिल्कुल आराम से रहते हैं। और ऐसा नहीं कि ये डब्बा है तो इनको हवा पानी नहीं देखी, यहाँ पे वेंटिलेशन का रखा है, वहाँ पे पंखा है, हवा पास होती रहती है, तो
तो उससे इसका ऑक्सीजन बना रहता है और अंदर बच्चा आराम से, देखा ये 30 का जैसे टेम्परेचर होता है तो ब्रूडर अपने आप बंद हो जाता है। चलिए मैं अपने दूसरे भी चिक आपको बिता दूँ, दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये चिक है, ये सारे कनूर है, तकरीबन 7 है कनूर, और दूसरे 3 थे वो सेल हो चुके थे तो वो सेल हो गए। और यहाँ पे ये 3 कोकाटेल है और एक लव बर्ड्स है और 2 होलैंड बजीस है रेनबो कलर में, देख सकते हैं इसका रंग, देख सकते हैं आप क्या ही बेहतरीन कलर है इसका। और ये कोकाटेल है, ये होलैंड का साइज और रंग देख सकते हैं कितना बेहतरीन कलर है इसका। ये शुरू से मैंने टेम नहीं की इनको, अभी मैं फार्म से लाया हूँ, क्योंकि इसकी माँ है ना कि बच्चों को इस उम्र में आते हैं दूसरी बार अंडे देती है तो बच्चों को मार देती है, तो मैंने सोचा कि एक हफ्ते घर पे इनको रखूँगा, खाना खिलाऊँगा, अगर पल गए तो ठीक है। और ये कनूर और ये लव बर्ड 6 थे तो इसमें से एक ही रहा है और ये बहुत ही बेहतरीन है। तो ये हैंड टेम बच्चे हैं मेरे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।